बलूचिस्तान सूबे तईकारानी महकमे निमगाच लॉकडाउन दिगे पांच दरोचे तौसी कनक बुते सूबा लॉकडाउन ये चारमी रंदे के तौसी कनक बुआ गए। कोरोना वायरस से गिरोदारे हाथरा क्विटी अवार सुबह ई दिगे जिला हाँ लॉकडाउन बढ़ जाए सैशंबे रोचा रोचे सह द्वाजदाह ग्वस्तगे जार जतगे लॉकडाउन मुद्दत अलास बुते चरैया पद लॉकडाउन द नोजदा मैया गेशी कनक बुते तईकारानी महकमे निमगा चशिंग कुतगे नोटिफिकेशन रिदा लॉकडाउन गेशे कोरोना वायरस से केसानी तहा गेशिये सबब कनक बुतें क्रोने सबब माहलू के जिंद अद्रहता ही लॉकडाउन नियमा बलूचिस्तान हंदी हुई दिगे शहरानी वास्ता ट्रांसपोर्ट सर्विस निजी और सरकारी जहां चागिर्दी मजहबी हुई दिगे इजतमा ते सरा बंदिश बढ़ जावे पुलिस लेवेज इंतजामियों हुई दिगे कानून बर्जा दारू के दारा परमान दियक बुतगा के लॉकडाउन सरा गुतरुंदिया हमल दरामद कनाए नक बिमेत हिदरगत लाइन सर अंजुमन ताजरान बलूचिस्तानी जनरल सेक्रेटरी अल्लादा तरीन साहब गुमगपो हल्का। अस्सलाम वालेकुम तरीन साहब। वालेकुम सलाम। तरीन साहब आप लोगों ने कल ऐलान किया था कि 10 मई को आप अपने कारोबार खोलेंगे, आज हुकूमत बलूचिस्तान ने 19 मई तक लॉकडाउन की तौसी कर दी, क्या 10 मई को आप लोग मार्केट और बाजार खोलेंगे या हुकूमती अहकाम की पैरवी करेंगे? नहीं नहीं जी, बिल्कुल हम 10 मई बल्कि 9 मई को अपने कारोबार खोलेंगे, क्योंकि हमने तकरीबन एक महीना मुसलसल हम हुकूमत के साथ रबते में रहे, मुख्तलिफ हमारे इजलास उनके साथ हुए और हमने उनको बावर कराने की कोशिश की कि मतलब ये जो आप लॉकडाउन चल रहा है ये लॉकडाउन नहीं, ये शटर डाउन है। ये लॉकडाउन अगर 40 दिन हो गए, अगर 40 महीने और भी चले, इससे आप मतलूबा मकासद हासिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि और आपके कोई भी वो SOPs फॉलो नहीं हो रही है, बस सिर्फ हमारी दुकानें बंद कराई हैं। तो हमने उन्हें कहा कि भाई हमने मुख्तलिफ तजावीज दी कि अब चूंकि ईद की आमद है, ईद का सीजन है, 4-5 हमारे ऐसे आइटम है जो ईद से रिलेटेड है, आप उनको हमें 5-6 घंटे के लिए दिन मौका दें ताकि हम वो दुकानें खोल सके। इस दौरान बाकी शहर आप बेशक सारा बंद कर दें, लाजमी नहीं कि परचून की दुकानें सारे दिन खुली हो, मेडिकल सारा दिन खुले हो, आप जो जो 6 घंटे हमें दे रहे हैं उस 6 घंटे में आप बाकी मार्केट बंद कर दें, लेकिन वहाँ अकल के अंधों को हमारी अच्छी तजावीज मस्बत तजावीज समझ नहीं आ रही है। तो इससे हमने तंग आकर कल पर हमने परसों ये ऐलान किया कि अगर 9 तक शटर ये लॉकडाउन खत्म नहीं होता तो 9 या 10 को हम अपनी दुकानें खोल लेंगे और सड़कों पे आएंगे, उसके बाद जो होना है वो हो जाए, क्योंकि भूख से मरने से बेहतर है कि हम कोरोना से मर जाएं। अच्छा तरीन साहब बताइएगा कि हुकूमत बलूचिस्तान ने लॉकडाउन के वाले से आप लोगों का एतमाद में लिया है? मुसलसल हमारे साथ उनकी मुजाकरा जारी है, आज भी उनके जो हमारी हुकूमती कमेटी के सरबरा है सलीम कोसो साहब सूबाई मिनिस्टर रिव्यू में, आज भी मेरी और हमारे प्रेसिडेंट की उनसे मुलाकात हुई थी और कल हो सकता है वो फिर कमेटी की मीटिंग तलब कर लें जिसमें उनके हुकूमती अरकान है और हम अंजुमन तजरान के अहदेदार हैं, कल वो सर के कल इम्कान है, बल्कि ज्यादा इम्कान है कि कल हमारे उनकी मुजाकरात हो। उस मुजाकरात में अब चूंकि एक खबर ये भी है ये कि वफाकी काबिना ने भी लॉकडाउन में नरमी की मंजूरी दे दी है, तो थोड़ा सा इनके ऊपर सर से वो प्रेशर भी कम हो गया होगा, तो मुझे उम्मीद है कि हम कल एक नतीजे पे पहुंच पाएंगे। ठीक है अलादा तरीन साहब, बहुत शुक्रिया वैश न्यूज़ को टाइम देने के लिए। अंजुमन तर्जुमान बलूचिस्तान सेक्रेटरी अलादा तरीन साहब गुमा गपोहाल कने गपोहाल शुमा दिलगोश को नो दिमतरे हाला दिलगोश कने।